क्लास 11th के लिए सिविक्स में आज का टॉपिक है विधायिका। सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। भारत की विधान पालिका को संसद का नाम दिया गया है तथा राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। संसद के बिना कोई भी लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। हमें संसद की आवश्यकता अनिवार्य है। संसद कानून बनाती है, इसमें समय के अनुसार संशोधन करती है और इसे हटा भी सकती है। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। भारत की कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदेही होते हैं। संसद देश का बजट बनाती है। संसद की स्वीकृति के बिना जनता का धन खर्च नहीं किया जा सकता है। संसद जनता की भलाई तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद करने के लिए मंच प्रदान करती है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है तथा लोकसभा लोकप्रिय तथा निम्न सदन होता है। भारत जैसे विशाल देश तथा संघीय व्यवस्था वाले देश में दो सदन का होना आवश्यक है ताकि संघ की इकाइयों के हितों की अवहेलना ना की जा सके, क्योंकि दूसरा सदन ना होने पर पहला सदन अपनी मनमानी कर सकता है।